सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी है, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतियां भी जरूरी है। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। आज का पंचांग 27 मार्च 2022 दिन रविवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि शाम 6:04 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र दोपहर 1:32 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:05 से 6:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मकर राशि 27 मार्च 2022 दिन रविवार, अभी कोई उधार आपके दिमाग में है, चिंताओं की जगह अपने काम पर ध्यान दें। नए प्रशिक्षण के लिए साइन अप करना या नया कौशल सीखना आपको प्रतिस्पर्धा से बाहर निकालने में मदद करेंगी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। एक रिश्तेदार शायद चाचा आपकी सहायता कर सकते हैं। शादी तय करवाने वालों के लिए बेहतरीन दिन है। अपनी लगन और दृढ़ता के कारण आप कोई भी काम कर सकते हैं जो चीज़ें आपको शीर्ष पर ले जाएगी। आप उन चीज़ों को सीखने से नहीं रुकेंगे। दोस्तों के साथ नए विचार साझा करेंगे। सितारों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि मकर राशि वालों को व्यापारिक कार्यों में अच्छी बिक्री होगी और कोई पुराना काम रुका हुआ शुरू हो सकता है। लेखन एवं प्रकाशन से जुड़े काम भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। शेयर एवं सट्टा बाजार से जुड़े जातक अच्छी मुनाफा वसूली करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए निवेश भविष्य में अच्छा लाभ देंगे। कमाई के लिए दैनिक व्यापारियों का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों के पास आज खुद को साबित करने के कई मौके आएंगे। उन मौके को पहचान कर उन पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी है। घर में किसी बात पर ग्रह क्लेश की स्थिति बन सकती है, इसलिए क्रोध पर काबू रखें और कड़वे बोल बोलने से बचें। किसी मूल्यवान वस्तु के खोने व चोरी होने की आशंका है। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। संध्या काल के समय रुका हुआ घर का कोई कार्य संपन्न होगा। सावधानियां, आज व्यापारियों को किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो वह उनके लिए कोई बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। यदि आपने कहीं पर भी किसी के कहने से निवेश किया तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य में चल रही गड़बड़ में भी लापरवाही नहीं बरतनी है, नहीं तो बाद में वह किसी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। उदास या अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो उस व्यक्ति से बात करें जो आपके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी चुलबुली बातें आपको सब कुछ भुला देगी। अच्छे प्रदर्शन के लिए लगातार प्रयास और मेहनत करना जारी रखें। आप नई नई चीजों को सीखने में दिलचस्पी रखते हैं और आपका पार्टनर आपकी हर गतिविधि में शामिल होने के लिए तैयार है। आज अब दोनों एक दूसरे के और भी आ जाएंगे और एक साथ समय व्यतीत करेंगे। अपने साथी को आज नजरअंदाज न करें, अन्यथा एक मनचाहे विवाद से सामना हो सकता है। बात करते हैं करियर की। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण या ज्ञान अर्जित करते रहना बेहद जरूरी है। व्यस्तता चिंता का कारण बन सकती है, जिसे बचने के लिए अपने और अपने शौक के लिए समय निकालें। मुकदमेबाजी और विवादों से दूर रहें।
प्रतिष्ठा की हानि की संभावना है। आज आप अपनी दृढ़ता और समर्पण के साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट को हासिल कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति आपको और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। आप नया ज्ञान प्राप्त करने, अपने दोस्तों से मिलने या नई चीजों को ट्राई करने में भी रुचि रखेंगे। बात करते हैं सेहत की। कब्ज एवं पेट संबंधित विकार हो सकते हैं। बाहर के तेल, चिकनाई वाले भोज्य पदार्थों से बचें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को गेहूं का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।